अब खुदावंत का फरमान सुन, उठ पहाड़ों के सामने मुभासा कर और सब टीले तेरी आवाज सुने। ए पहाड़ों और ए जमीन की मोहकम बुनियादों, खुदावंत का दावा सुनो, क्योंकि खुदावंत अपने लोगों पर दावा करता है और वो इसराइल पर हुज्जत साबित करेगा। ए मेरे लोगों, मैंने तुमसे क्या किया है और तुमको किस बात में आजुर्दा किया है, मुझ पर साबित करो। क्योंकि मैं तुमको मुल्के मिस्र से निकाल लाया और गुलामी के घर से फिदिया देकर छुड़ा लाया, और तुम्हारे आगे मूसा और हारून और मरियम को भेजा। ऐ मेरे लोगों, याद करो कि शाहे मुआब बलक ने क्या मशवरत की और बलाम बिन बौर ने उसे क्या जवाब दिया, और शैतेम से जजाल तक क्या हुआ, ताकि खुदावंद की सदाकत से वाकिफ हो जाओ। मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सिजदा करूं? क्या सोख्तनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊं? क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पहलौठे को अपने गुनाह के इवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदला में दे दूं? ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहमदिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। खुदावंत की आवाज शहर को पुकारती है और दानिशमंद उसके नाम का लिहाज रखता है। आसा और उसके मुकरर करने वाले की सुनो, क्या शरीर के घर में अब तक नाजायज नफा के खजाने और नाकिसो नफरती पैमाने नहीं हैं? क्या वो दगा की तराजू और झूठे बाटों का थैला रखता हुआ बेगुनाह ठहरेगा? क्योंकि वहां के दौलतमंद जुल्म से पुर हैं और उसके बाशिंदे झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनके मुंह में दगाबाज जुबान है। इसलिए मैं तुझे मोहलिक जख्म लगाऊंगा और तेरे गुनाहों के सबब से तुझको वीरान कर डालूंगा, तू खाएगा पर आसूदा ना होगा, क्योंकि तेरा पेट खाली रहेगा, तू छुपाएगा पर बचा न सकेगा, और जो कुछ के तू बचाएगा मैं उसे तलवार के हवाला करूंगा। तू बोएगा पर फसल ना काटेगा, जैतून को रौंदेगा पर तेल मलने ना पाएगा, तू अंगूर को कुचलेगा पर मैं ना पिएगा। क्योंकि उमरी के कवानीन और अखियब के खानदान के अमाल की पैरवी होती है और तुम उनकी मशवरत पर चलते हो, ताकि मैं तुमको वीरान करूं और उसके रहने वालों को सुस्कार का बायस बनाऊं, पस तुम मेरे लोगों की रुसवाई उठाओगे।